नमस्ते, मैं हूं अनुपमा और आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं अगारो फुट मसाजर का रिव्यू। जब से मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी तो स्लिप डिस्क तो खैर ट्रीटमेंट से सही हो गया, लेकिन पैरों में हमेशा मेरे दर्द रहता था। तो उसके बाद ये होता था, जो भी मुझे कोई दिखता था, अगर घर में कोई आ भी जाए, बच्चा वगैरह कोई भी आ जाए, तो मुझे लगता था कि काश ये थोड़ा पैर दबा देता। और यश को, यश मेरा बेटा, उसको तो मैं हमेशा यश पैर दबा दो पैर दबा दो, मतलब हमेशा यही लगता था कि कोई तो पैर दबा दे। लेकिन खैर अब मुझे ये सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास ये अगारो का फुट मसाजर है। तो अब जब भी मेरे पैर में ऐसा मुझे लगता है कि दर्द हो रहा है, तो किसी को कहने की जरूरत नहीं होती है। तो इसके लिए मैं इसको लगा लेती हूँ और मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे ऑन करना है। ये है मेरा अगारो फुट एंड काफ मसाजर, जो कि आप देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टर्डी है और काफ़ी अच्छे प्लास्टिक से बना हुआ है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे ऑपरेट करना है या कैसे इसको यूज़ करना है, उसके बाद मैं आपको इसके और फीचर्स बताऊँगी। तो इसके बैक साइड में जो ये पोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे एक वायर मिली है, वो आपको लगाना है। और दूसरा जो साइड है वायर का, वो आपको स्विच बोर्ड में लगाना है। बस हो गया। उसके बाद हम आते हैं इस पैनल पर, जहाँ से आप इसके फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। पावर बटन से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और मैनुअल बटन से आप इसके फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको फुट एंड काफ मसाज, दोनों मसाज चाहिए या सिर्फ काफ मसाज चाहिए या सिर्फ फुट मसाज चाहिए। तो वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने मैनुअल का बटन क्लिक किया, जब फर्स्ट टाइम क्लिक किया तो ये फुट और काफ पे था, फिर काफ पे, फिर फुट पे आया। तो आप अपने हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो का जो बटन है, उसमें हम मसाज की इंटेंसिटी सेट कर सकते हैं, जैसे P1, P2, P3, मतलब प्रेशर 1, प्रेशर 2, प्रेशर 3, जितना आपको प्रेशर चाहिए उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। और इस मसाजर में 15 मिनट्स का टाइमर है, 15 मिनट्स के बाद ये ऑटो ऑफ हो जाता है। ये मसाजर एयर कंप्रेशन से अच्छी तरीके से पैरों को नीट करता है और फुट पे ये रोलिंग एंड स्क्रैपिंग मसाज टेक्निक का यूज़ करता है। तो जब इसमें आप मसाज करवाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं फील होगा कि आप किसी मशीन से मसाज करवा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई हाथों से पैर दबा रहा हो। और सही में ये बहुत ही रिलैक्सिंग है। मुझे तो इसकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि पैर दबा दो। और इसके नीचे इस तरीके का ये स्टैंड है जो कि टिल्ट हो जाता है 45 डिग्री तक, जो कि अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से टिल्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं मसाजर। अब मुझे कितना भी काम करने में डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास अगारो फुट मसाजर है। तो जितना भी काम कर लूँ उसके बाद ये टेंशन खत्म हो जाती है कि पैर में दर्द होगा, ये होगा, वो होगा। आराम से यहाँ पे बैठ के मसाज ले सकती हूँ, सारी थकान उतर जाती है। पैरों में दर्द ये बहुत कॉमन सी चीज़ है और रेगुलर मसाज से बहुत हद तक आपको दर्द से छुटकारा मिल सकता है। और हमारे ज़्यादातर जो नर्व्स हैं उनकी एंडिंग पैरों में ही होती है, तो पैरों के मसाज से हमारे बहुत सारे बॉडी की प्रॉब्लम से भी हमें छुटकारा मिल जाता है, जैसे सर दर्द, माइग्रेन, सर्वाइकल पेन में भी अगर आप फुट मसाज करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी राहत मिलती है। इसका जो फुट स्लीव है जहाँ पे पैर रखते हैं, इसको आप आराम से निकाल के साफ़ कर सकते हैं। इसमें ज़िप की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं और साफ़ करके फिर लगा सकते हैं। तो ये टेंशन ख़त्म हो जाती है कि गंदा हो जाएगा, फिर इसको कैसे यूज़ करेंगे। इसका साइज़ भी बहुत कॉम्पैक्ट है, इसको आप कहीं पर भी रख सकते हैं अपने घर में। और इसके दोनों साइड में इस टाइप से बना हुआ है, इसको आप इजीली कैरी कर सकते हैं, पोर्टेबल है। आप चाहे तो इसे बेडरूम में लगा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपको अपने लिए ही खरीदना है, तो आप इसे चाहे तो अपने इन-लॉज को गिफ्ट कर सकते हैं, पेरेंट्स को भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये इससे बढ़ के गिफ्ट मुझे लगता है आपके पेरेंट्स और इन-लॉज के लिए कुछ नहीं हो सकता। इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप चाहे तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और स्पेशली अपने पेरेंट्स के साथ। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।